आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मोहतरमा अभी तक सोई हुई थी, अभी उठी हैं, गई हैं वॉशरूम में। अली मुर्तज़ा मेरे पीछे सोया हुआ है और नाश्ता लेने गया हुआ था मैं, अभी आया हूँ जस्ट नाश्ता लेकर। 5 मिनट हुई है, नाश्ता करते हैं उसके बाद मोहतरमा आपसे मिलेगी। विल बी राइट बैक। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। और रात को मम्मी घर बहुत लेट हो गया था और हम आके थक चुके थे तो सो चुके थे और बस अभी मैं उठी हूँ। और अली के पापा ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि वो सुबह जल्दी चले जाते हैं और अली यहाँ पे सो रहे हैं। जब उठते हैं तो फिर अपनी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। जी अली सोए हुए हैं और फिर मैं चलती हूँ नाश्ते की तरफ। नाश्ता करके फिर आपको बताती हूँ कि मेरी अगली रूटीन क्या है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किचन का काम कर चुकी हूँ तो फिर अब टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है तो मैंने किचन नमाज अदा कर लें। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद आपको दिखाते हैं हमारी आगे की रूटीन। जी हम चलते हैं नमाज की तरफ। नमाज अदा पढ़ ली नमाज, खाना तैयार है? क्या बना है? क्या बना है? क्या वाह, कौन सी? हम कौन सी मछली खाते हैं? हम दंडिया खाते हैं, लोथर खाते हैं, फिंगर फिश खाते हैं। दवाएँ बनाई है मैंने, दंडिया बना है यार, दंडिया खाने का बहुत दिल था। आ गया मैं, अभी एक्सीडेंट हो गया मूसा कॉलोनी की तरफ, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। सीरियसली बाखुदा, कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहा मैं, सीरियसली अगर यकीन नहीं आ रहा, मेरे हाथ से स्मेल सूंगा, खून की स्मेल है। मैंने वहाँ फ्रूट वाले से धोया है, पानी से हाथ धोया, लेकिन मतलब घर पे पहुँच के पहले साबुन से हाथ धोऊँ। दो अंकल का एक्सीडेंट हो गया आपस में, वे बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, ब्लड ऐसे निकला जैसे नलका खोला हुआ। मैं सर पे हाथ रखा, मैं आवाज़ें मार रहा हूँ सर, वल्ला आलम मैं आवाज़ें मार रहा हूँ कि हाथ बढ़ाओ, उठाओ उठाओ, कोई उठाने को तैयार नहीं। मझ में 2-3 लोग वीडियो बना रहे हैं, 2-3 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। क्या हुआ? मैं मार रहा हूँ। सीन ये था कि मैं जा रहा था सेफी हॉस्पिटल में सैंपल देने के लिए। हाँ। के हम उसमें मूसा कॉलोनी की तरफ घुसा ना, तो अंकल टकराया, उन्हें सर टकराया सर को, वहाँ बड़े गमले नहीं पड़े होते बीच में, वो भी टूटा है और अंकल ऐसे ही पड़ा हुआ है। अल्लाह। मैं उधर साइड पर रुक गया ना, बोला बेकार है यार, रोड वोड चल रहा है, तो आंटी ने बेटा जाके देखो ना, तो 2-4 और भी भाग के आए, लेकिन मैंने जैसे उनको उठाया ना, तो उनकी ब्लडिंग ऐसी गिर रही है जैसे नलका खुला हुआ किसी ने, बिल्कुल अंदरूनी चोट लगी उनको। मैंने हाथ रखा फटाफट, 2-3 लड़के थे जो मेरे जरा ही कमजोर थे, उन्होंने हाथ पाँव पकड़े हैं, बोला भाई उठाओ इसको जल्दी से, रक्षे में डालो, पहुँचाओ। हाथ लगाने को तैयार नहीं है यार, मेरे को इतना उसको इतना गुस्सा आ रहा था, बोले यार हाथ लगवा लो, कोई इंसानियत नाम की चीज़ें नहीं है, मर जाएगा वो, इस तरह का खून बह रहा था। मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कॉन्सेप्ट खराब है, किसी का ये नहीं बनाई जाए, इंसानियत दिखानी चाहिए, तो बस इसको उठाना चाहिए। 2-3 लोग ऐसे थे जो बना रहे थे। तो फिर ना हाथ लगा रहे थे उसको, दो बंदे थे, मैंने हवा दे दिया, फिर एक फ्रूट वाला, अल्लाह उसको बुला कर फ्रूट वाला आया, उसने उठवाया मेरे साथ, मतलब 2-4 जने थे, मैं अकेला नहीं उठा सक रहा था,
तो रक्षे में डाला है उनको भेजा है। फिर दूसरे बंदे की कंडीशन भी ऐसी ही थी कि वो बच इसलिए गया कि उसने हेलमेट पहना हुआ था। अच्छा हाँ, अच्छा जिसको जो लगा है ना, ज़्यादातर गलती उन्हीं की थी क्योंकि वो रोड पे देखे रोड क्रॉस कर रहे थे। हाँ। वो पहले से वो अंकल मौजूद थे दूसरा रोड क्रॉस करने के लिए। वो मूसा कॉलोनी में दो रोड है ना आने जाने वाले टोटल। इनके रिश्तेदार वगैरह का नंबर वगैरह इनके पर्स में नहीं मिला वो मुझे नहीं पता था ना। वो मेरा थोड़ी एडिक था, मेरा काम था उनको फटाफट सब भिजवाना हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? मैं वही तो बता रहा हूँ, सुन तो सही। रक्षे में डाला और वहाँ चले गए। मुझे पहुँचना है सेफ्टी हॉस्पिटल में क्योंकि डॉक्टर वहाँ उनको सैंपल देने थे। यकीन कर मैं जा रहा हूँ रास्ते में सैर फिर मुझे उनकी टेंशन दिया गया क्योंकि मेरे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मुझे उनकी फिक्र लगी हुई थी। मैं वहाँ से भागा हूँ फटाफट उसी लोकेशन पे दोबारा आया हूँ तो मैं एक फ्रूट वाले जो खड़े थे उनसे पूछा, मतलब यार इनकी बाइक का पेट्रोल पम्प वाले पास गया। मतलब यार इनके जो एक्सीडेंट उनकी बाइक के एम्प्लॉयर वो सामने फ्रूट वाले के पास है तो मैं भागा उधर। मतलब यार क्या पता पीछे अभी मेडिकल में शायद लेकर गया तो मैं बाइक वहाँ पहुँचा दूँ इंसानियत के नाते। उनको पूछा बोला यार यहाँ पे लेकर गए हैं ना, तो बोला यार एक बंदा मेरे साथ आ जाओ थोड़ा कोई काम वाम हो तो अपन देख लेना। तो बोलते आपको कोई जानने वाला? मतलब मेरा कोई जानने वाला नहीं, बस खाने तो मुसलमान है। हम वहाँ पहुँचे अभी मेडिकल में इमरजेंसी में भागा, देखा नहीं था बाकी हम फ्रूट वाले के पास है। तो उसके बाद उस बंदे मेरे साथ लड़का चला था, उसने बोला यार हमारा एक बंदा गया हुआ ठेले वाला। तो फिर वापसी हम फ्रूट वाले के पास गए, उसने फ़ोन किया तो बता था सिंध गवर्नमेंट में लेकर गए उसको। अच्छा हाँ, उसकी ड्रेसिंग वगैरह हुई है, बोला अंदरूनी चोट आई है लेकिन अब सही है बेहतर है। जब उसने बात कर ली उसने मुझे बताया, बोला भाई बेहतर है लेकर आ रहे हैं। तो मैंने शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा किया। देख बताने का मकसद ये कि यार आप कहीं भी हो कुछ भी हो नागानी आफतें आ सकती हैं किसी के साथ। ये मुझे हिस्ट्री बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ अपना या स्क्रिप्टेड बात है, कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं है। मेरा सिर्फ इतना था मैसेज है कि यार कहीं भी कुछ भी हो ना तो फौरन इंसानियत के नाते एक सपोर्ट ज़रूरी होती है। बेशक आप अपने जेब से माध्यम इंदाज नहीं कर सकते तो अपनी जानी मदद तो दें किसी के साथ भी, क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह बहुत खुश होगा इससे। मैं जो इसको अपना सत्कार जारिया समझ के मैंने खिदमत की है। तो मेरा सिर्फ इतना था मैसेज है कि आप भी इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मदद कर लिया करें किसी ना किसी की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमें इन नागहानी आफतों से महफूज रखे और हम सबका बहुत बहुत ख्याल रखें। आप अपने प्यारों का भी बहुत सारा ख्याल। तो जी यहाँ मैं खाना ना खा के फ्री हो चुकी थी और नमाज भी अदा कर ली थी और ये मेरे मियाँ जी भी काम पे जा चुके थे खाना वाना खा के। थोड़े से इमोशनल हो गए थे लेकिन ना क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, उन्होंने अपनी आँखों से देखा था तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे और उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई हमें। तो बस फिर चले गए थे खाना खा के और अब मैं यहाँ फ्री हूँ, बस अली को सुला रही हूँ और ये अली सो रहे हैं। वेलकम बैक। अच्छा तो मैं ऑफिस से आके सो गया था, थकावा बहुत था और जो रोड पे एक्सीडेंट हुआ उसके भी थोड़ा सा दिमाग में बार बार ख्याल आ रहे थे तो पैनल उठा के सो गया था। और बाकी जो आपने स्टोरी देखी तो एक मैसेज भी था तो उस पर ज़रा फोकस करना और ज़रूर शेयर करना दूसरों को भी कि कहीं सदका जारिया करने का तौफीक उन्हें भी मिल जाए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।